नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विधुना के औरैया में समाजवादी पार्टी की विधुना की प्रत्याशी रेखा वर्मा और दिव्यापुर के प्रत्याशी प्रदीप यादव व औरैया के सपा प्रत्याशी के समर्थन में औरैया व विधुना में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण में भाजपा का सफाया शुरू हो गया है। जो लोग गर्मी निकालने की बात करते थे, वो अब यदि जनसभाओं में उमड़े जन सैलाब को दूरबीन से देख रहे होंगे तो वह सन्न पड़ गए होंगे। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में वह शून्य भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का जितना छोटा नेता उतना छोटा झूठ, सबसे बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। सपा सरकार बनने पर फौज और पुलिस की नौकरी की भर्ती निकालेंगे और उम्र में भी छूट देंगे। सपा सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। सरकार के बजट से भी देना होगा तो देंगे, लेकिन पेंशन जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, खाद की बोरी से 5 किलो खाद चोरी कर ली। यह चोरी करने या कराने वाली सरकार है। एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, वह जनता का पैसा था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है भाजपा को हटाने और हराने के लिए, वह अन्न की पोटली लेकर साथ चलते हैं। यह चुनाव जनता की बदहाली को खत्म करने के लिए सपा को जिताने का चुनाव है। यदि ये दोबारा सत्ता में आ गए हैं तो डीजल पेट्रोल 200 रुपए होगा। 5 साल में इस सरकार ने यूपी को कहा पहुंचा दिया, एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा, केवल बिजली का बिल बढ़ाया और बिल देखकर गरीबों का करंट लगता है। गौशालाओं के नाम पर सरकार का 1,000 करोड़ रुपया लोग खा गए हैं। बाबा को जिस जानवर पर सबसे ज्यादा प्रेम है, वह सड़कों पर टक्कर मार रहे हैं। सरकार बनने पर इन जानवरों की टक्कर से जान जाने पर उस परिवार को 5 लाख रुपए देंगे। भाजपा सरकार में आईपीएस फरार है, व्यापारी को लूट कर मार दिया गया है। किसानों को रौंदने वाले मंत्री पुत्र को जमानत मिल गई है, लेकिन सपा में किसानों को रौंदने वाले को जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, सिंचाई मुफ्त। समाजवादी पेंशन पहले 500 थी, अब महीने में 1500 दी जाएगी। बीएड वालों को लाठियां मिली, अब नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही औरैया में प्लास्टिक सिटी बनाने का काम शुरू होगा। नौजवानों को रोजगार देंगे। बंजारा और सपेरा समाज को लोहिया आवास मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जन सैलाब से पता चलता है कि सपा की लहर चल रही है। उन्होंने जिले के 3 प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने व धोखेबाज भाजपा को सबक सिखाने की अपील की है। इस जनसभा को सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव रचना सिंह, पूर्व राज्य मंत्री चौधरी राम बाबू यादव, पूर्व मंत्री विनोद यादव कक्का, विधायक विनय शाक्य देवेश शाक्य, पूर्व विधायक प्रदीप यादव, रेखा वर्मा, सपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, ध्यान सिंह यादव, उमा सिंह यादव, चेयरमैन अमित कुमार, अशोक कठेरिया, अच्छे लाल पाल, सिद्ध गोपाल यादव, लालजी गुप्ता, राम सनेही पाल, श्याम बाबू यादव, रामपाल सिंह, मोहम्मद अनवर, महेश कठेरिया, सुरेंद्र यादव, लाले सिद्दीकी, धप्पी यादव आदि प्रमुख सपा नेताओं ने सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो, बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई?
और आपने देखा है लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो हमें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।